यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, मान के चलिए ये है सिग्नल लाइन, ओके, व्हाइट में ड्रॉ किया मैंने, और मैं एक रेड में लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, एंड दैट लाइन इज लेट्स टेक इट्स अ एमएसवीडी लाइन, ठीक है। अब बॉटम से जब ये क्रॉस कर रहा है सिग्नल लाइन को, ये सिग्नल लाइन जो है इसको एमएसवीडी लाइन क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे हम इसको बाय करेंगे, ठीक है, बाय करेंगे स्टॉक को, और जब नीचे की तरफ ऐसा क्रॉस करेगा टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, यहां पे हम स्टॉक को सेल करेंगे, शॉर्ट सेल हम इनिशिएट कर सकते हैं यहां पर। तो अभी मैं आपको ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे बताता हूं ये कैसे रहेगा। और एमएससीडी अच्छे से काम करता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में, जब आपका मार्केट ट्रेंडिंग है ना तो एमएससीडी आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट देता है। लेट अस टेक, यहां पे मैंने इसको मैं हटा के मैं लॉरस लैब, मैंने जो कल कॉल आपको प्रोवाइड किया था लॉरस लैब ला देता हूं यहां पर, लॉरस लैब, हाँ, तो लॉरस लैब आ गया है, और पहले तो हमने आरएसआई लगाया, तो अभी भी स्कोप है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट? Yes. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेक्टेंगल पकड़ना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज दिस लुक्स टू बी अ रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट, 555 समथिंग, ओके, सो दिस स्क्रिप्ट लॉरस लैब इज अवेलेबल एट अ ब्रेकआउट, राइट, ऑन दैट डे आई सॉ दिस एंड गेव द एट 558, और वो वहां से फिर 568 तक गया था ये, तो दिस इज दिस स्क्रिप्ट इज अवेलेबल एट अ ब्रेकआउट। नाउ what I will do here, I will just add indicator. I already added RSI of 14 days RSI, I have already added. Now I will add one more indicator. I go into the indicator. I will just type over here MACD. I will get moving average convergent divergence. This is the indicator that I want to add. I just added the MACD now. So are you all able to see this graph? सर अभी सब सभी लोग देख पा रहे हैं एमएसडी को? जी सर। तो यहाँ पे क्रॉसओवर किस पॉइंट पे हुआ था, कैन यू प्लीज टेल मी? व्हाट इज द बॉटम ऑफ द प्राइस क्रॉसओवर हैपेंड? 500 के आसपास है, 500 सिग्नल लाइन, दिस ऑरेंज लाइट ऑरेंज लाइन एंड दिस ब्लू लाइन, दिस इज योर एमएसडी लाइन, एमएसडी लाइन, ओके, सो व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, इट इज क्रॉसिंग, राइट? Yes, sir. Are you all agree with me? Yes, sir. Here is the crossover. Here is the crossover. Your MACD line is above the signal line. So definitely, I will initiate buy position over here. Okay. Initiate buy position. See, from there on, stock gone up. Okay. Okay, sir. Yeah. Now let me add a indicator. Let me add a Bollinger Band. Sir. Yes. No, sir. इसका setting एक बार बताइए. MACD में कौन सा nine? हाँ देखिए, madam यहाँ पे मैंने open करके रखा है इसका setting, ठीक है? जी. Fast length मतलब slow length, slow moving average मतलब बड़ा moving average 26 days का, ठीक है? Okay. और छोटा moving, short moving average fast वाला 12 EMA, ठीक है? सिग्नल लाइन जो है वो 9 डे ईएमए ले रहा हूँ, इन दोनों के डिफरेंस का मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया जी सर। ये इंट्राडे के लिए सेटिंग है ना? हाँ, आप इसको ग्राफ पे बस प्लॉट कर लो, ठीक है? ओके, नहीं ये इंट्राडे के लिए सेटिंग है। हाँ, इंट्राडे के लिए सेटिंग है ये, ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है उसमें सर। हाँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय पोजिशन इनिशिएट करेंगे व्हेनेवर आपका जो ब्लू वाला लाइन है, ये आपका जो है एमएसडी लाइन है ब्लू वाला,
और ये जब ऊपर जा रहा है सिग्नल लाइन के, मतलब जो लाइट ऑरेंज में है उसके ऊपर जैसे जाता है वहां पे बाय पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके हां, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, अगर किसी का आवाज आ रही है, जब यहां पे क्रॉस ओवर हुआ था तब आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना था, कैन यू प्लीज टेल मी? 57 के आसपास। 57 के आसपास, राइट? मींस राइट, देयर इज अ 20 SMA ब्रेकआउट आल्सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? या व्हेनेवर क्रॉस ओवर इज देयर, इफ यू लुक एट हियर, आई हैव एडेड अ बुलिंगर बैंक, राइट? A Bollinger Band, middle line is 20 SMA line. This line is 20 simple moving average line. This is upper Bollinger, the lower Bollinger. And a crossing, crossover happens over here at the MACD line also indicating a buy signal and 20 SMA breakout also is there, right? Right. Yeah. So we are getting multiple confirmations. And your RSI is just above 50. So relative strength, the buyer is more than the seller. ब्लू लाइन कम्स बिलो द येलो लाइन, यस यस, ऑरेंज लाइन, राइट? ऊपर से हटेगा जब ये यहाँ पे है ना, ठीक है। अब ये डे टाइम फ्रेम पे मैंने चूज किया है, बट अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट की होनी चाहिए या फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम होनी चाहिए अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा था तो यहाँ पर हम शॉर्ट सेल, ये देखिए यहाँ पे ब्लू वाला लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल कर सकते थे हम इस लेवल पर 527 पर, उसके बाद हमें गेन होता था 522 तक गिर गया था 527 से, तो हमें इंट्राडे का गेन हो गया रहता उस दिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, वी विल बाय ब्लू, और ये सॉरी बाकी लोग म्यूट पे कर लें प्लीज। हाँ ओके, अभी मैंने म्यूट कर दिया सबको। ओके नाउ अभी क्लियर है बिल्कुल, एमएसडी कैसे यूज करना है इसको? हाँ सर, यस, ओके, एमएसडी इज क्लियर नाउ, राइट? तो ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर ब्लू लाइन जाता है तो बाय करेंगे क्रॉस ओवर पे, और ब्लू लाइन जो है, If this blue line जो है ये ऑरेंज लाइन के नीचे आता है तो हम स्टॉक को सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है, अगर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट कर गया तो ये फॉल्स सिग्नल आपको देगा, तो इसको मल्टीपल इंडिकेटर के साथ यूज करना पड़ता है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा वन बाय वन वो चीजें, अभी तक एमएसडी अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, दैट इज एडीएक्स के बारे में बात करते हैं। ADX मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अभी आपको मैं सीधा बता रहा हूं इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम 25, ठीक है, 25 ग्रेटर देन 25 अगर इसका वैल्यू है तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 50 है, okay, let's the value, it is greater than 25 but it is less than 50, in that case we will say a strong trend, okay, but agar 50 se zyada ho gayi, if the value is above 50, let me draw it again, if ADX value if it is greater than 25 ADX and is less than 50, we call it a strong trend. If the value ADX is in the greater than 50 and it less than 75, it is a very very strong trend, boss, very very strong trend, you just buy the stock, very very strong trend,
But if it is less than 25, please do not execute a trade on this particular string. You may get a false signal. Now, let me add ADX to the here. You understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन मैं यहां पर इंडिकेटर में जाऊंगा और यहां पर मैं टाइप करूंगा ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. थोड़ा इसको ओके तो लॉरस लैब हमने ओपन कर लिया है और एमएसडी आरएसआई दोनों लग गए. अब एक इंडिकेटर लगना बाकी है, दैट इंडिकेटर इज एडीएक्स. ठीक है, इसलिए बड़ी स्क्रीन की जरूरत स्टॉक मार्केट के वीडियो के लिए इसलिए जरूरत स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने के लिए पड़ती है, क्योंकि देखो अभी आपको ग्राफ काफी छोटा दिख रहा है. यू आर यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स लाइक फॉर द कंफर्मेशन. अब इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपका जो एमएसडी है ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन के ऊपर चला गया, राइट. तो हम यहां पे बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन सेम टाइम पे हम एडीएक्स चेक करेंगे. एडीएक्स का वैल्यू कितना है एडीएक्स का वैल्यू 21, राइट. एबल टू फॉलो इट? Yes, sir. Yeah, so ADX value is 21. Is it a strong trend or a weak trend? Weak trend, right? So, even though this MACD crossover is there, still we will not buy the stock. We will not buy the stock. What is the RSI at this particular point when it crossover? It is 57. Buyer strength is more than the seller. Yes. Uh-huh. But ADX value is 21 only, 23. Then we will buy the stock when ADX is more than 25. At least it should be more than 25. Right? Yes. Right here. Here it's a stock 25. So when 25, RSI is how much? 64. So most comfortable buyer strength, right? RSI 64. Yes, sir. And your MACD line is above the signal line, so buy indication, and ADX 25. So, the execution of the trade will be at what price? 541. Yes. Best price to buy at 541. Here, Bullinger band also fire, right, at the same point. Yes, sir. Sir, there is a noise. Okay. Yeah. It's my request to all participants. If there is a background voice, okay, please mute yourself. Actually, others should hear properly. Now, अब आपको ये RSI, MACD, ADX क्या ये तीनों indicator clear है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कैसे यूज करना है इसको. यहाँ पे देखो 17 हो गया था, है ना, 17 था. तो यहाँ पे कोई बाय पोजीशन बनानी थी हमको, राइट. और यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ होगा डेफिनेटली. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एमएसडी काफी फॉल्स सिग्नल दे रहा है, राइट. यहाँ पे बाय करो, फिर सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल. हमें करना ही नहीं, अगर एडीएक्स का वैल्यू 25 के नीचे है तो बाय करना ही नहीं है शेयर को. सर, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ बोलिए प्लीज. सर, मैकडी में जो ग्रीन और रेड जो सिग्नल्स आ रहे हैं, हाँ? मतलब कैंडल टाइप, वो सब जाएगा ये मैकडी में? हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर. ओके, हेलो. हाँ बोलिए सर. सर, एमएसडी थोड़ा सा समझ में नहीं आया. ओके, एमएसडी समझ में नहीं आया. एक्चुअल सर थोड़ा नॉइज बहुत हो रहा था सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ. नहीं, लेट मी क्लियर यू. देखो यहाँ पे ना दो लाइन है, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जस्ट लेट मी गो विद द कलर्स. ठीक है, ये ब्लू लाइन मान लीजिए आप. ठीक है, ये है एमएसडी लाइन. ओके, और दूसरा जो लाइन है दैट लाइन लेट्स टेक
रेड लाइन सिग्नल लाइन है, ये इस तरीके से ही जा रहा है, ठीक है, ये मान के चलिए सिग्नल लाइन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब भी ओके थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, लेट मी ड्रॉ रेड वन लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ सिग्नल लाइन ब्लू क्रॉस ओवर देन डाउन, ओके। तो यहां पे ये लाइन जो है, दिस इज अ सिग्नल लाइन, अभी ये लाइन जो है ना, ये सिग्नल लाइन है जो आपको रेड वाली दिख रही है, ये सिग्नल लाइन है मान लीजिए, और ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये जो है ये एमएससीडी लाइन है, ठीक है। जब भी ये इसको क्रॉस ओवर करेगा इस सिग्नल लाइन को, ठीक है, तो हम बाय करेंगे, और इसके नीचे गया सिग्नल लाइन के एमएससीडी लाइन तो हम सेल करेंगे। अब आपको मैं प्लेटफॉर्म में बताता हूं, यहां पे देखिए, यहाँ पे ब्लू वाला जो लाइन है वो कौन सा लाइन है, कैन बी आंसर एमएससीडी लाइन, सर एमएससीडी लाइन है, राइट। और जो रेड वाला ऑरेंज में आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन, यहाँ पे इसके ऊपर है, राइट है ना, तो यहाँ पे बाय पोजिशन एग्जीक्यूट करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि, अच्छा अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ठीक है एमएससीडी क्रॉस ओवर कर रहा है और इस टाइम पर अगर आरएसआई 80-85 होता तो क्या आप बाय करते थे? ओवरबॉट कंडीशन तो इवन दो देयर इज अ क्रॉस ओवर स्टिल वी विल बाय, नो, व्हाट इज द एडीएक्स, 17, राइट, कंफर्मेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन द आरएसआई गॉट 64, माय सिग्नल लाइन इज वेल अबव द एमएससीडी लाइन एंड एडीएक्स इज 25, सो वी विल एग्जीक्यूट बाय पोजीशन एट 547. Yeah. And if you are following the same time, the Bullinger band is also firing, right? Yes, sir. So it gives you more confirmation to buy the stock. Am I clear? Yes, sir. Background noise is there. Sir, background noise is there. Background noise is lots of. Next page, please mute your. Actually, I go on repeating the things. Please mute yourself. Mute yourself if our background voice still somebody is not following. Okay, anyway. Now, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर इन तीनों को बंद कर देता हूँ अभी. Let's take इन तीनों को ऊपर ले लेते हैं और ग्राफ को अपने दिखा देते हैं यहाँ पर. यहाँ पे मैंने एक important indicator लगाया, Bollinger Band, ठीक है. Okay, मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में लगा देता हूँ. ठीक है, यहां पे मैं इंडिकेटर में जाऊंगा और यहां पर मैं सर्च करूंगा बुलिंगर बैंड, ठीक है. तो यहां पे बुलिंगर बैंड आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आप इसको लगा दीजिए यहां पर. तो मैं हमेशा कहता हूं, जब भी अपर बुलिंगर बैंड फायर हो रहा है, चाहे अर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, चाहे डे टाइम फ्रेम पे हो, 15 मिनट का ज्यादा वर्क करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है. हेलो, यस सर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा वर्क करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में. आप जो चीजें मैंने बताई वो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अर्ली टाइम फ्रेम देखना चाहिए. वहां पे अगर बुलिंगर बैंड फायर हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको परचेस कर सकते हैं. बुलिंगर बैंड का मिडिल वाला लाइन जो होता है वो 20 SMA लाइन रहता है. मैं इस इंडिकेटर को ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं यू वॉच माय स्विंग ट्रेडिंग वीडियो, आई कीप ऑन टेलिंग अबाउट दिस इंडिकेटर, राइट. यस सर. या नाउ, अब आपने मुझे बताओ, जो लास्ट वीक हमने 2 स्कैनर बनाए थे उसका क्या परफॉर्मेंस है, मतलब कैसा आपको लग रहा है उसको, वो स्कैनर से जो स्टॉक्स आते हैं क्या वो फॉल्स स्टॉक है या अच्छे स्टॉक है, मतलब आर द स्टॉक्स गिविंग ब्रेकआउट? हाँ बोलिए, मार्केट की बियरिश है सर.
मार्केट बियरिश नहीं, जो स्टॉक आए थे उस स्कैनर में क्या वो प्रॉफिट दे पा रहे थे? That's what I want to ask. बिल्कुल सर दे पा रहे थे. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मैं आपको वापस से टेस्ट कराता हूं यहां पर. लेट मी गो ऑन टू द charting.com. ठीक है, I'll go in charting.com. ओके, ओपन हो गया है. देखिए कि अगर किसी ने सेशन वन सेशन टू अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आपका फिर से ये सारा कवर अप हो जाएगा नए बैच के साथ में. ठीक है, बट आप यहां पे देखो, ये दिख रहा है आपको आई वन आवरली वी वैन, राइट? तो आप इसको ओपन कर लीजिए प्लीज. All of you open this particular thing. Please go on to the URL charting.com. Charting.com. I paste the URL in the video description. Sorry, the comment section. I paste this URL. Please go on to this URL and okay. चैट सेक्शन में मैंने यूआरएल डाल दिया है, आप उस यूआरएल पे जाइए और वहां पर आप अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हो तो आपने बनाया नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने बनाया है प्लीज इसको ओपन करके रखिए. हैव यू ऑल ओपन दिस आई वन ऑनली वेब? यस सर. जो भी आपने बनाया होगा उसको ओपन कर लीजिए और मैं जाता हूं बैकटेस्ट रिजल्ट. बैकटेस्ट रिजल्ट क्लिक कीजिए बैकटेस्ट रिजल्ट पे और आप इस सीएससी फाइल को डाउनलोड कीजिए. अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो प्लीज आप आ जाइए. कल का हम परफॉर्मेंस देखते थे, स्कॉट काफी बार आया था 9:15 बजे और पूरे दिन भर कल स्कॉट ही आया था. If you have just download the CSV file and then please tell me the entry number. What is the entry number 955 in the list in the CSV file? Sir, one question. Yeah, please. Sir, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे भी stock, जैसे मैंने तो sir इसको subscribe कर लिया है. हाँ. और बढ़िया alerts भी आ रहे हैं sir इसमें. हाँ? और अच्छा, तो सर अब जैसे इसमें जो अलर्ट्स आता है, अलर्ट्स जैसे तुरंत आता है, जैसे अब 11:15 को सर अलर्ट्स आया, उधर हमने उसको जाके क्या फिर चार्ट में उसको एनालाइज करना है सर, तुरंत तुरंत ले लें उसी एक मिनट के अंदर में एनालिसिस करना है आपको. एक मिनट 30 सेकंड्स के अंदर एनालिसिस करना, वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो स्कॉट आपको दिख रहा है कि स्कॉट SCSE फाइल में? प्लीज आंसर इट क्विकली. नो सर. Have you downloaded this? If you go into this early breakout, आपने जो भी early scanner बनाया था, मैंने आपको सिखाया था बनाना इसको last video lecture में. Sir, 955 पे कुछ स्पंदना करके आ रहा है. Sorry? Entry 955 entry पे कुछ स्पंदना small cap finance करके आ रहा है. Madam, please select futures or therein's past filter in filter select futures. Okay. Okay, if you have opened the, if you have got ESCOT in the trigger, please say yes. Okay, let me proceed. But hourly pe ESCOT aa raha hai, aap sabhi dekh pa rahe hain. Are you all able to see?
अगर आप इस सीएसई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो स्कॉट आपको दिख रहा होगा, अगर आपने ये लॉजिक बनाया होगा तो मैं यहां पर स्कॉट को ओपन कर लेता हूं। हमें क्विकली एनालिसिस करना है, जैसे ट्रिगर आता है वहां पर अलर्ट आता है, वी हैव टू जस्ट स्कॉट्स में क्या हो गया ये मैं आपको क्विक एनालिसिस बता रहा हूं कि 30 सेकेंड्स में स्टॉक को एनालाइज कैसे करना, बाय करना या नहीं। ओके तो स्कॉट्स आ गया यहां पर, तो 9:15 को ट्रिगर आया था कि इसको बाय करना है, ठीक है। हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 9:15 को ट्रिगर आया कि इसको बाय करना है। उस टाइम पे एडीएक्स कितना था, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? 17 राइट। क्या हम बाय करेंगे यहाँ पे? नो, लेस देन 25। और एमएसडी लाइन देखो यहाँ पर ऑरेंज लाइन के नीचे चले गई है, करेक्ट। इवन दो ट्रिगर आ रहा लेकिन हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम पूरे दिन भर इसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे एडीएक्स कभी भी 25 गया नहीं। तो इवन देखो भाई, अगर 5-6 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है पूरे दिन भर किसी स्टॉक में 1800 रुपए के, तो वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, है ना? सर बस ये तीनों को लगाना है, आरएसआई, एमएसडी, एडीएक्स, तीनों को एक साथ लगाना है। आप लोग आंसर नहीं कर रहे, बट मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा मुझे बताइए, वीवैप नहीं लगाना है? सॉरी, वीवैप नहीं लगाना है सर। यहाँ पे हमने बिल्ड करके रखा है ना इसको, स्कैनर को। अच्छा ओके सर। हाँ सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि हमें, मैंने क्या बोला, मार्केट में दो चीजें रहती है, एक प्राइस रहता है जो बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, लेकिन बढ़ता प्राइस कोई धोखा नहीं, इज दिस अ डिसेप्शन और नॉट, राइट? So how we will predict this? Whether this script is getting money or not, right? Yes. Volume, क्या उसमें volume भी build up हो रहा है ना? तो उसके लिए हमने VWAP बनाया था, volume weighted average price. वो तो हमें filter करके दे रहा है ना, right? Yes. One hour close crosses above 1 hour VWAP, and there is a 20 SMA breakout also in the stock. So we are already getting a stronger stock, but now. We will do quick analysis on the platform to decide whether to buy or not. Yes, sir. Now, let me... Okay, sir. ADX scanner. Sorry? Can you add a ADX scanner on this scanner chart link? Okay. I put the link. मैंने यहाँ पे link डाला है charting chat section में, आप जाके देख सकते हैं charting.com पे. Okay. मैं quickly build करूँगा सभी लोगों के लिए जो आज batch join कर रहे हैं. आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं 15 मिनट थोड़ा टाइम डालूं इसमें, बनाऊं इसको? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो ऑल प्लीज ओपन द वेबसाइट charting.com. charting.com आप ओपन कीजिए सभी लोग। यस सर। हाँ, आपने यहां पे ओपन कर लिया charting.com, यहां पे जाइए आप स्क्रीनर्स में, क्लिक ऑन द स्क्रीनर्स। Okay, create your own. Now it is opening screeners. Can you see this interface in your website, on your desktop, sorry? Yes, sir. Are you all able to see this user interface? Yes. I will create on create your own scan. Create your own. Have you clicked that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, अभी हमको क्या करना है? देखिए, हम चाहते हैं कि स्टॉक जब हम परचेज करें, सबसे पहली बात स्टॉक के अंदर में 20 SMA ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट, है ना? ये पहला क्राइटेरिया है, 20 SMA ब्रेकआउट होना चाहिए स्टॉक में। तो हम कैसे चेक करेंगे, हाउ विल डू इट, व्हेन क्लोज, व्हेन क्लोज
What close? Process above, right? SMA of 20. 20, yeah. Have done this? Yes, sir. Yeah. Okay. कल ज्वाइन किया था क्या ये इसको रिप्लीकेट कर पा रहे हो अब जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कर रहे हैं सर ओके तो इसके बाद हम वीवेब बिल्डअप कर रहे हैं राइट तो वन आवर वीवेब नाउ क्लोज प्रोसेस अबाउट VWAP, VWAP volume weighted average price, VWAP of Sir, someone's noise is coming. So, okay. Sir, जिसका noise है उसको Sir, please no. Okay, अभी आ रहा है clear आवाज. Okay. Crosses above 1 hour VWAP. ठीक है इतना इतना ही किया था हमने करेक्ट है ना हाँ सर हाँ तो आप अभी रन स्कैन को दौड़ाइए यहाँ पे तो काफी सारे शेयर्स आ रहे हैं यहाँ पर बट हमें चाहिए फ्यूचर वाले जिसमें लिमिट मिलती है हमको तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स आ रहा है अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बता देता हूं ठीक है मैं लेट मी गो हियर यहाँ पे बना देता हूँ मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से काफ नहीं नहीं हटाना नहीं था उसको कंट्रोल जेड करके आ जाता है वापस आ गया वापस इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ अभी ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन आवर का टाइम फ्रेम पे हमने सेलेक्ट किए कैंडल्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं अब मैं यहाँ पे 20 ऐसे में ब्रेकआउट आना चाहिए डे कैंडल पे सबसे पहले हमने क्या कर दिया डे कैंडल पे 20 ऐसे में ब्रेकआउट है क्या तो ये पहला कंडीशन मेक श्योर करेगा ये वाला ठीक है क्योंकि यहां पे हमने कोई भी टाइम फ्रेम आवरली या फिर मिनट पे सिलेक्ट नहीं किया है ना हमने लेटेस्ट किया है तो क्लोज क्रॉसेस अबाउट 20 एसएमए तो ये डे कैंडल पे हो रहा है जो भी हो रहा है यहां पे हमने क्लोज क्रॉसेस अबाउट 1 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया यहां पे वीवैप का तो यहां पे हम मैं अभी इंडिकेटर में जाके ऐड करता हूं वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ओके तो वीवैप आ गया है यहां पर अब आपको दिख रहा है वीवैप अरे यार एबल टू सी द वीवैप ये लाइन आपको दिख रही है यस सर यस सर दिख रहा है बुलिंगर बैंड को अगर मैं बंद कर दूं तो आपको एक लाइन दिख रही होगी है ना वीवैप की यस सर तो ये क्या है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये बहुत बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है मार्केट का पावरफुल प्राइस है ये वॉल्यूम नॉट इंडिकेटर इट्स अ प्राइस एक्चुअली telling you about both price increasing and the volume is also increasing. तो stock का close VWAP को यहां पे cross किया था correct है ना आपको दिख रहा है ये candle ऐसा बढ़ रहा है तो यहां पे cross over हुआ है दिख रहा है आपको are you able to see this? Yes sir. 1852 पे cross over हुआ था उसके बाद trigger आया signal वहां पे उसके बाद ये 1852 से 1861 तक गया था तो यहां पर जो signal आया होगा वो 1852 के आसपास आया होगा spot का तो यही हमने यहां पर बिल्ड किया ये प्लेटफॉर्म पे हमने इसको बिल्ड कर दिया तो हमारे पास वो स्टॉक तो आ गया है लेकिन हमें एक क्विक एनालिसिस भी करना है जो एनालिसिस करने के लिए हमको ये टूल्स लगेंगे ये वाले ये तीन टूल्स ओके अब हम बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर चलिए आप मैंने इसको सेव नहीं किया देखो मैं बैक टेस्ट पे क्रिएट कर दो बोलता है कि पहले स्कैन को सेव करो है ना तो आप इस स्कैन को सेव कर लीजिए सेव स्कैन पे क्लिक कीजिए आप यहां पे डिटेल भरिए और इसको सबमिट कर देना फिर ठीक है डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी डाल सकते हो मतलब अर्ली ब्रेकआउट वगैरह स्कैनर पे आप बुलिश स्कैन सिलेक्ट कीजिए आप प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट रखिए और इसको सबमिट कर दीजिए बस इतना काम कर दीजिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं बार बार सेव नहीं करना चाहता हूं आई शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओके तो ये मैंने बना के रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं अभी ओके
अब हम करेंगे यहां पे बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे हम क्लिक करेंगे और हम यहां पे डाउनलोड सीएसई आपको ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को यस सर आर यू एबल टू फॉलो डाउनलोड सीएसई ऑप्शन यस क्लिक ऑन दिस क्लिक ऑन दिस सीएसई फाइल विल ओपन इन योर डेस्कटॉप सीएसई फाइल आप मोबाइल पे बिल्कुल वीडियो ना देखें ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये आप डेस्कटॉप पे करिए तो बहुत अच्छी बात है तो अगर सीएसई फाइल आप लोगों ने ओपन कर ले क्या मैं ब्राउजर में ओपन करूं आपके लिए डू यू वांट मी टू डू दैट अगर आपने डेस्कटॉप पे अगर सीएसई फाइल डाउनलोड कर ली है तो आई विल टेल यू नाउ कि कौन सा स्टॉक है एंट्री नंबर 953 में बताइए एंट्री नंबर 953 तो 3:15 बजे का मैं कंसीडर नहीं करूंगा आप मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का देखिए अर्ली मॉर्निंग जो आ रहा है 9:15 को 10 तारीख को मोमेंट काफी किया था मार्केट तो ONGC आ रहा था करेक्ट ONGC 9:15 को कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज देयर इन द एंट्री नंबर 877 ONGC हाँ ONGC एंट्री नंबर 877 ONGC करेक्ट यस सो I will open the ONGC chart now. That is on 10th of February. So instead of ISCOT, I will open here ONGC. Okay, ONGC. Hello, I have opened the ONGC oil and natural gas. Okay, here we can see beautiful VWAP price, volume weighted average price, and this is on. See, the setting of VWAP is a chart setting, means whatever the time frame you have selected, it will shift to that. So we want it all the time frame. So yahan pe ek breakout aaya tha aur 9:15 pe aaya tha, right? 10 tarikh ko hai na? ADS ka value kitna hai? 18, 17 राइट ADS का वैल्यू कितना है 18 है 18. तो फिर भी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे यस MACD क्रॉस ओवर इज देयर ऑल्सो राइट MACD क्रॉस ओवर ऑल्सो देयर एंड ADX वैल्यू इज 17 सो नॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड राइट इफ यू वॉन्ट टू टेक द रिस्क यू कैन जस्ट सी Oh, there is a breakout. Actually, big red green candle is there. MACD crossover is there. MACD का भी crossover हो रहा है. और RSI आपका अभी 50 से ऊपर नहीं था. यहाँ पे 50 से ऊपर चला गया था RSI. लेकिन ADX देखो यहाँ पे strong trend indicate नहीं कर रहा है. तो हम इसको buy नहीं करेंगे. हम इसको buy नहीं करेंगे. अब और चेक कर लेते कुछ अच्छे मिल जाए ONGC यस प्लीज सर ये MACD में जो वॉल्यूम टाइप बार्स जो दिख रहे हैं वो ये तो सिग्नल लाइन और MACD लाइन के आसपास वो वॉल्यूम है क्या जो MACD इंडिकेटर यस 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 ओके सो नाउ लेट मी गो हियर विद द अब यहां पे एक स्टॉक और दिख रहा है जिस दिन पावर ग्रिड में लॉस हुआ था अंडरस्टूड लॉस हुआ होगा पावर ग्रिड में करेक्ट है ना तो उसी दिन एरो फार्मा भी आया था स्कैनर के अंदर में एरो फार्मा ठीक है आप देख सकते हो कैन यू सी द एंट्री नंबर 884 ऑल या फिर आप 878 एंट्री नंबर 878 देखिए एक्सेल शीट में कितना कौन सा स्टॉक है 878 एरो फार्मा है राइट तो हम एरो फार्मा को यहां पर ओपन करते हैं आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा तो ही मार्केट में प्रॉफिट होगा आपको ये सब सीखना पड़ेगा आपको चीजों को Then you will make the profit. Otherwise, not at all. तो एरो फार्मा है यहां पे मैंने एरो फार्मा को यहां पर सिलेक्ट किया एरो फार्मा एरो फार्मा आ गया ओके तो
टेन 10 तारीख को, मतलब ये यहां पे है ना। Okay, let me go into the early time frame. Yes. Okay. तो ये है 10th, right? 9:15, correct? Sir. What is the status of MACD? Blue line is above the orange. Above line, right? Orange line. So buy signal, correct? Yes. And what is the RSI? 72, not that overbought, correct? Yes. Yeah. So what is the ADX value? 25. Means strong trade, correct? Yes, sir. Yes, sir. So you must have executed a trade at 681 around 681. It gone up till 686 on the same day. Here it is 25 at, I think, at this closing price, which should be 25 something is there. So yes, we should have executed a trade 670 at 680. You must have got it and gone up till 688 on the same day. So 1% return on day trading. So it's gone up to 707. This is an early chart, no? Yeah, this is early chart, ma'am. Yes. It's gone up to 702. Yeah, but it's a Friday, ma'am. This is a Thursday movement and this is a Friday movement. Okay, okay. Got it. This is not a single day movement. Okay. So, will you be able to use this scanner and this price indicator that I have told you together from Monday onwards? Yes, sir. ये लगा दिया और दिखा दिया तो 15 मिनट में हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम जाके देखे तो उसमें यहाँ पर क्या पता चलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो भी देख लेते हैं। ये 10 तारीख का मोमेंटम ये रहा 15 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एमएसडी लाइन है ना, एमएसडी लाइन ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका आरएसआई भी ज्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पर इसका वैल्यू 34 बता रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट रिक्स रहता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप यूज कर रहे हो। तो 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट बिल्कुल नहीं, 15 मिनट उसके ऊपर, 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 15 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको 5-6 पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 5-6 पॉइंट मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो एडीएक्स का वैल्यू 25 से ऊपर 35 था, है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और एमएससीडी क्रॉसओवर भी हो गया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ, और आरएसआई भी 76 था, ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ था कभी। तो यहाँ पे आप परचेस कर सकते थे इसको, 673 पे यहाँ पे मिलता था आपको, फिर यहाँ पे गया 688 तक के। सर, इसको एक बार इंडेक्स के चार्ट्स पे भी डाल के बता दीजिए। ओके ओके, निफ्टी के। ओके, निफ्टी। हाँ, निफ्टी का चार्ट पे आ गया अभी हम। हाँ, निफ्टी में आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज्यादा यूज करो, 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करो आप। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लेट मी, क्या यहाँ पे वीवैप क्रॉस हो, देखो वीवैप नहीं आ रहा है, मतलब हमको निफ्टी का फ्यूचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। निफ्टी का करना पड़ेगा, निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, तो हाँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट का हम लेंगे, सीएनएक्स एसएनपी सीएनएक्स निफ्टी का। तो ओके, यहां पे आ गया अभी वीवैप भी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो अगर हम यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, राइट, है ना, ट्रेंडिंग मार्केट था यहाँ पर। आई थिंक 10 तारीख का मार्केट ट्रेंडिंग था और जो कल फ्राइडे का मार्केट वो बुरी तरीके से गिर गया नीचे। तो 10 तारीख को हम यहाँ पे मोमेंटम देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप, यहाँ पे वीवैप क्रॉस ओवर हुआ था 15 मिनट के चार्ट पे,
और उसी के साथ में आरएसआई भी हमारा 68 था, ज्यादा था नहीं था, लेकिन एमएसडी सिग्नल नहीं देता, एमएसडी का सिग्नल यहां पे आया था वो जब ये 17,750 था यहां पर, यहां पर हो रहा है क्रॉस ओवर, करेक्ट जी। एमएसडी लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन, करेक्ट या, और एडीएक्स भी 37 है, तो आप यहां पे एडीएक्स यहां पे आप इसके आसपास कुछ इस प्राइस के आसपास आप कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट कर सकते थे, मतलब जब 17,565 था, 17,565 के आसपास हम कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट कर सकते थे, वहां से ये गया है फिर मतलब 80-90 पॉइंट्स का मूवमेंट किया, अगर आपका इन द मनी होगा तो आपको प्रीमियम में 50-50 पॉइंट्स का गेन होगा। So you can apply these two indexes also on these thing, three things. तो essentially करना क्या है हमें, वापस से मैं template discuss कर देता हूं एक बार। सर वो 5 मिनट बताते तो अच्छा होता था, भी 5 मिनट का 5 मिनट में बताओ ना। ओके ठीक है, 5 मिनट में आपको बहुत तेजी से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि 5 मिनट्स लाइन का क्रॉस और यहाँ पर हो रहा है 11 फरवरी। तो अच्छा ये हम कल का डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था है ना, डाउन ट्रेंडिंग फिर रिकवरी आई थी, पहले मार्केट गिरा और फिर रिकवरी आई थी थोड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमएसडी जो लाइन है ये सिग्नल लाइन के ऊपर जा रही है इस लेवल पर है ना, उसके साथ में आपका जो एडीएक्स का वैल्यू 62 है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ओके और आरएसआई भी आपका 30 था, ओवरसोल्ड हो गया था, तो यहां पे हम सोच सकते थे कि हम एक कॉल ऑप्शन करें छोटा सा छोटे प्रॉफिट के लिए, इसके बाद ये बड़ा भी है बहुत ज्यादा। आरएसआई नीचे था ना सर? हाँ आरएसआई 30 पे था ना, तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बता रहा है आरएसआई है ना यहाँ पर 29 क्रॉस ओवर हुआ था, एमएसडी लाइन इसके ऊपर आ गई थी, लेकिन 5 मिनट की जगह पर अगर आप 15 मिनट प्रेफर करते तो बेहतर है। सो व्हाट द टेम्पलेट इज नाउ आई विल टेल यू, करना क्या है हमें ग्लोबल मार्केट्स क्या है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट्स वॉच करने पड़ेगी। कौन सा मार्केट है पहला? यूएस मार्केट। कब खुलता है ये? 7:30 PM पे। इसमें कौन सा आता है? नैसडैक और डाउ जोन्स। इफ दीज मार्केट आर पॉजिटिव देन वी विल पॉजिटिव अबाउट विच स्टॉक, विच आईटी स्टॉक्स विल पॉजिटिव अबाउट आईटी एंड द मार्केट। ओके most IT stocks will be good performance. Sir, एक बात पूछूं? What happened yesterday? Dow Jones and Nasdaq almost I think 2.5% down. Correct? Yes. So IT stocks were down. So US market positive. In the early morning, you see HGX Nifty Singapore market that is also positive. So you can expect Nifty to show gap up, Nifty to show gap up, you can expect. सर ये कितना परसेंट बड़ा होना चाहिए तो आपको लगे कि मार्केट ऊपर ही है, जितने भी परसेंटेज का कोई नहीं है सर, दोनों मार्केट पॉजिटिव होने चाहिए बस। मतलब कितना, आधा परसेंट भी होगा तो भी चलेगा? हाँ चलेगा। अच्छा। देखो मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ आपको, एक वेबसाइट है investing.com ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अगर गूगल में हम डालेंगे ना SGX निफ्टी टुडे ऐसा डाल देंगे हम गूगल में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करो तो आपको SGX निफ्टी का प्राइस पता चल जाएगा। तो देखो ये 356 पॉइंट डाउन है, 2% डाउन है, तो ये आपको देखना है अर्ली मॉर्निंग कैसा है, और आपको investing.com पे आप यहाँ पे जाओगे मेजर इंडाइसेस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ढूंढना है डाउ जोन्स नैसडैक, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पहला डाउ जोन्स करेक्ट और दूसरा आपको दिख रहा है नैसडैक, तो दोनों के दोनों डाउन है ना। तो यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आईटी के शेयर है उसको पहले हम शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा लें, और मैंने कल यही किया था,
टीएस टेक महिंद्रा में और इंफोसिस में, ठीक है। तो यूएस नेगेटिव है, यूएस मार्केट एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका निफ्टी हो सकता है 90% चांस है कि डाउन ट्रेंड में ओपन। जो सिंगापुर और यूएसए, अगर सिंगापुर ऊपर बढ़ा और यूएसए नीचे गिरा हो तो ऐसा कुछ ऐसा? अच्छा, यूएसए ऊपर बढ़ा हो हाँ, और सिंगापुर नीचे है, तो आप साइडवेज चॉपिंग मार्केट साइडवेज। अच्छा सर, कभी कभार ये दोपहर को जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है, वो यूरोपियन मार्केट पे देखना। हाँ, यूरोपियन मार्केट मैडम, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। जैसे जैसे हमारा निफ्टी अभी ट्रेंडिंग, निफ्टी हमारा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, और 12:30 से 1:30 के बीच में कभी कभी आप देखते हो ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है, ना? तो व्हाट इज हियर हैपेंड, यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं, यूरोपियन मार्केट दोपहर को ओपन होते हैं, उसमें आपको ट्रैक करना है ज्यादातर आपको एफटीएसई डैक्स को, इसको देखना आपको ये कैसे ओपन हुए। अगर ये डाउन है 1% 2% अगर डाउन है तो अपनी पोजीशन बाय वाली आप स्क्वायर ऑफ कर दो, जैसे स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, एनी बाय पोजीशन इज देयर, अगेन यू कैन फाइंड दिस एफटीएसई डैक्स इन हियर ओनली, यहां पे आप ढूंढ लोगे एफटीएसई डैक्स को कहां पे है। ये सारे मेजर इंडेक्स है, ये देखिए यहां पर डैक्स दिख रहा है आपको, जर्मनी का मार्केट नेगेटिव है और एफटीएसई आपको 100 दिख रहा होगा आपको, ब्रिटेन का मार्केट ये भी नेगेटिव है। तो पहले हमने देख लिया ग्लोबल मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी के लिए पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, कैन यू प्लीज ऑल टेल मी व्हाट शुड बी योर सेकंड स्टेप। नहीं, आपको जाना है nsindia.com पे, एक्सचेंज की वेबसाइट पे। Okay. हाँ, एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि मोस्ट पॉजिटिव इंडेक्स कौन सा है उस दिन का। nsindia.com पे आप गए, यहां पे आपने गए मार्केट डेटा में, मार्केट डेटा में आप गए तो मार्केट डेटा में आप इंडेक्सेस पे क्लिक करेंगे और इंडेक्सेस पे आप जाके देखोगे कौन सा इंडेक्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। खैर फ्राइडे को मार्केट क्रैश हुआ था तो आप देख सकते हो कि मोस्ट सबसे वीक कौन सा है, राइट, सबसे वीक सेक्टर कौन सा है आज का, तो आई थिंक आईटी सेक्टर काफी वीक था उस दिन। तो आपको जाना है सेक्टोरियल इंडाइसेस में, सेक्टोरियल इंडाइसेस में यहां पर आप देखो सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन सा है, तो आईटी सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, तो आप इसके शेयर जाके सेल कर दो। और अगर आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट है, तो आप देखो कौन सा इंडेक्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो आपने वो एक बार देख लिया, जाके अपने ओपन कर लिया अपने, हमने यहां पर तो हमें मिल जाता है स्टॉक जो भी गेनर रहेगा या फिर लूजर रहेगा, करेक्ट। तो फिर हम जाके हमारे स्कैनर जो हमने बनाए हैं ये ब्राउजर में हम ओपन करके रखेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे वो स्टॉक है गेनर में तो वो जरूर यहां पे किसी ना किसी स्कैनर पे आएगा जो हमने बना के रखा है, ठीक है। फिर हम उस स्टॉक को यहां पर ओपन करेंगे और उसका क्विक एनालिसिस करके डिसीजन लेंगे। ओके सर, क्या अभी तक जो मैंने बताया आपको क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर क्रिस्टल? यस। उसने क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी सर, कभी कभी क्या होता है निफ्टी ऊपर, निफ्टी ऊपर होती है, सॉरी बैंक निफ्टी नीचे चले जाती। हाँ बोलिए, सॉरी आपने बोला जैसे यूएस मार्केट और ये जो भी सब ऊपर है तो निफ्टी भी ऊपर है, हाँ हाँ, बैंक निफ्टी नीचे आ जाती है तो वो कुछ मतलब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है हाँ और आपका बैंक निफ्टी नीचे है हाँ, तो वो एक तो एक रिजल्ट इंपैक्ट होगा, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर किसी बैंक ने या कोटक बैंक हो गया, इन्होंने अगर नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट कर दिया अच्छा। या फिर कोई मॉनेटरी पॉलिसी आ गई तब ऐसा हो सकता है अच्छा।
जो स्क्रीनर यूज कर रहे हैं और ये जो ग्राफ है पूरा बुलिश मार्केट का ये देख रहे हैं, बेरिश में या शॉर्ट करने के लिए कैसा यही सेम यूज कर सकता है या? ये देखो मैंने बेरिश यहां पर बना के रखा है, ओपन कीजिए आप इसको। तो यहां पर मैं बेरिश में क्या लॉजिक लगा रहा हूं, क्लोज क्रॉसेस बिलो एसएमए 20, मतलब क्या हो रहा है, ऐसा आपका स्टॉक है तो बुलिंगर बैंड जो है उसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, मिडल बुलिंगर बैंड को, राइट 20 एसएमए ब्रेकआउट बट डाउन साइड पे है ना, और क्लोज क्रॉसेस बिलो वीवैप जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोज हो रहा है स्टॉक, और ये अवर्ली टाइम फ्रेम पे नहीं है, डे टाइम फ्रेम पे है, तो इसका भी एक्यूरेसी अबाउट 90% है। अगर आपने देखा हुआ, क्या आप ये बिल्ड कर सकते हैं अभी? इफ यू कैन बिल्ड दिस, दिस बिल्ड इट नाउ एंड टेल मी। ओके ओके ठीक है सर। रटक गया अब आप यहां पे क्रॉसेस अबव की जगह पे क्रॉसेस बिलो आप सेलेक्ट कीजिए और इसको रन कीजिए। प्लीज ओपन दिस, आपने कर लिया इसको, बना लिया है सर? लेटेस्ट में 1 आवर रखने के लेटेस्ट ही रखने? नहीं लेटेस्ट ही, मतलब डे डे टाइम फ्रेम। अच्छा हाँ, इनको एक्चुअली एलटीपी लिखना चाहिए था, एलटीपी आना चाहिए था, एलटीपी नहीं आता है, पर लेटेस्ट आता है लेटेस्ट। तो ये अगर बन गया है तो ये है आपका बेयर स्कैनर जो आपको बेयर स्टॉक नीचे देगा, और आप फिर उसको सेव कीजिए एंड गो इनटू द बैक टेस्ट रिजल्ट्स। यहां पे क्लोज सिलेक्ट करना है, क्लोज, उसके बाद यहां पे क्रॉसेस बिलो, फिर यहाँ पे वीवैप आपको लिखना है बस, और लेटेस्ट लेटेस्ट रहने दो इसको बस, ठीक है? तो आपको ये स्ट्रॉन्ग बेयर स्टॉक ढूंढ के देगा दिन का, स्ट्रॉन्ग बेयर स्टॉक किस पे, बेयर मोमेंटम पे, और फिल्टर में आप कैश फ्यूचर जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ले जाना जो स्टॉक में लिमिट मिलती है वो स्टॉक यहाँ पे आएंगे फ्यूचर पे। और अगर आपने ये कर लिया है तो आप सीएससी फाइल को डाउनलोड कीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है कल की एंट्री पे। ये स्कैनर बहुत हेल्प करते हैं मार्केट में आपको अच्छा स्टॉक ढूंढने में, और आपको बस जो मैंने अभी इंडिकेटर पढ़ा है उसको लगाना, क्विकली एनालिस करके डिसीजन लेना है। तो कौन सा आ रहा है एंट्री नंबर 667 में? What is the stock in entry number 667 in the scanner, bear scanner?
सर कौन सा एंट्री नंबर? एंट्री नंबर बताइए सर। 667 मुथूट फाइनेंस आ रहा है बराबर। तो हम इसको ओपन करते हैं अभी। लेट मी ओपन द मुथूट फाइनेंस। क्या हम इसको सेल कर सकते थे? अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास सेल करने की। देखो एडीएक्स दोनों साइड पे बढ़ेगा, ठीक है, गिर रहा है तो भी बढ़ेगा और बढ़ रहा है तो भी बढ़ेगा, ठीक है। बस कंसोलिडेट जब करता है ना तो अब बताता है कि वो कम हो जाता है उसका वैल्यू एडीएक्स का। सर ये पावर ग्रिड बता रहा है। सॉरी वो एंट्री नंबर 667 पे पावर ग्रिड बता रहा है। नहीं नहीं आपने गलत फ्यूचर में देखो। बेयर मैडम बेयर का ओपन कीजिए ना, बेयर का ओपन। 667 में तो ये आ रहा है मैडम मुथूट फाइनेंस। आपने गलत लॉजिक लगाया होगा फिर। यू शुड गेट द मुथूट फाइनेंस एक्चुअली। एक बार आपका चार्टिंग वाला ये ओके ये देखिए यहाँ पर मैंने इंटरफेस लगाया है। एक मिनट लेटेस्ट क्लोज बिलो वीवैप सेगमेंट देखो शायद कैश रहेगा। कैश बिलो लिखो कैश बिलो। आ गया सर। सर आप म्यूट पे हो। ओके तो यहां पे मुथूट फाइनेंस का सेल का सिग्नल आ गया और यहां पे हमें सेल का सिग्नल दिया है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू यहां पे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए यहां पर सिग्नल लाइन जो है सॉरी एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जा रही है, राइट। यहां पे ब्लू वाला लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे है। ओके तो व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज आंसर शॉर्ट विल सेल इट, करेक्ट। एंड व्हाट इज द एडीएक्स वैल्यू? 23, 24, 25 हियर। So means we will sell here actually at 1434. We'll sell at 1434 around. Here the strong trend confirmation is there actually. अगर आप यहां पर करते थे सेल तो ये देखो यहां पर बढ़ गया था तो आप डर गए रहते है ना, थोड़ा डर गए रहते आप यार ऊपर गया स्टॉक है ना, फिर नीचे गिरा। यहां पर आपको कंफर्मेशन मिलता था कि ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो उसके बाद ये गिर गया 1487 तक के। तो यहां पे आप शॉर्ट कर सकते थे। यहां पे आरएसआई भी आपका सेलिंग जोन में आ गया था। अगर आप एमएसडी क्रॉस ओवर पे करते थे यहां पे सेल करते थे तो यहां पे आपका आरएसआई 41 था लेकिन एडीएक्स का वैल्यू 22 था ज्यादा, मतलब यहां से अभी ट्रेंडिंग शुरू हो रहा था, ट्रेंडिंग यहां पे आया फिर 25 यहां पे आया 25। तो यहां पे आपको शॉर्ट करना था 1425 के आसपास, वहां से ये 10 पॉइंट नीचे गिरा है, इंट्राडे के लिए इतना काफी है। But next candle it has been gone up, no sir. Sorry, here? Next candle, yes sir. Which? That one. This one? After, no sir, second one, green, that doji candle. This one, sir. This one. Ah sir. Okay, so that's why I'm saying that it is showing strong trend here. Here we should have sold it solely. Okay. This is the open, this is the high, okay? Yes. High. Open close, open is equal to close, open is equal to close. Sure. Means it is ultimately indicating a downtrend, reverse hammer. It is actually a reverse hammer candle. Yes. Indicating down momentum. Yes. Open low high, open high, open low and close is equal yes. actually. Yes. Yeah, ye toh deception tha aapko upar le jane ke liye, but ye ultimately niche gir gaya baat hai. आप चाहो तो यहां पे कर सकते थे लेकिन रिक्स रहता था, यहां पर रिक्स रहता था। आपका एडीएक्स का वैल्यू 21 था, आप थोड़ा अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपने रिक्स फैक्टर के साथ में तो आप यहां पे भी सेल कर सकते हो।
ठीक है। तो अभी हम कल देखेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। बेयर स्कैनर आप सभी ने बना लिया होगा, हैव यू ऑल डन विद द बेयर स्कैनर? सर कैन वी डू विद 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आल्सो? यस यू कैन चेक। ओके इफ यू आर वांट गुड मतलब इफ यू आर रिस्क टेकर, सी मार्केट इज ऑलवेज फॉर रिस्क टेकर, राइट है ना। yes, अगर आप में एबिलिटी है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एमएसडी के नीचे आ गया था, है ना। एमएसडी के नीचे, एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ गई थी, है ना। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे, करेक्ट। yes, और उस टाइम पे आपका एडीएक्स कितना है, 31 है। yes, आपको बोल रहा है कि आप सेल कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड है जो जा रहा है नीचे, तो आप 1444 पे भी शॉर्ट कर सकते थे। और सबसे अच्छा कॉन्फर्मेशन क्या है कि आपने दिखा है कि 20 एसी में ब्रेकडाउन आ गया है, करेक्ट। yes, sir. और आपको दीजिए क्लोज जो है क्रॉसेस हुआ है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे, मतलब जो सेलिंग हो रही है वो वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हो रही है ना। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन तो आपको यहीं से मिल गया, लेकिन आपने एडेड कॉन्फर्मेशन यहां से लिया इन तीन इंडिकेटर से। यस सर, स्पेशली दो इंडिकेटर से। यस आई होप अभी आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी मंडे को, है ना। यस सर। यस सर। सॉरी क्वेश्चन। ओके सो आई क्लोज द सेशन नाउ एंड टुमारो we'll be starting at 11 a.m. and we'll discuss more on ATR and then we'll build bear scanner we already built today, but if anybody has doubt we'll discuss it tomorrow. Okay sir, what about options? Yeah, tomorrow we'll talk about option today. Okay sir, ye Zerodha pe bhi chalega? Yes, Zerodha pe bhi chalega ye, kal hum aap bhi bana ke dekh lenge. Okay, thank you for all joining. Okay, thank you. Okay thank you sir. सर वो डाल देना। थैंक यू।